टी20 वर्ल्ड कप में मेजबान ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दूसरे जीत दर्ज कर ली है। आयरलैंड पर जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया पॉइंट टेबल के दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। इस मैच में आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में आयरलैंड की टीम सिर्फ 137 रन ही बना पाया और मुकाबला 42 रन से हार गया। ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान फिंच के अर्धशतक और स्टोनिस के धमाकेदार पारियों के चलते 189 रन का स्कोर बनाया। आयरलैंड के लिए मैकार्थ ने 3 और जोशुआ लिटिल ने 2 विकेट ली। 180 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड के टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। 25 रन पर टीम के 5 विकेट गिर गई। इसके बाद टेकोर ने टेनली और आइडर के साथ मिलकर स्कोर को 100 रन तक पहुँचा दिया। एक समय ऐसा लगा था कि टेकर अपने दम पर मैच को जीता सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सही समय पर विकेट लेकर आयरलैंड टीम को रोक दिया। आयरलैंड की टीम 18.1 ओवर पर 137 रन ही बना पाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए कमिंग्स, स्टार्क, चंपा और मैक्सवेल ने 2-2 विकेट ली। हेजलवुड को सिर्फ 1 ही विकेट मिला। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।